राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपकी फूडी किचन में स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो खाने में काफी टेस्टी होती है। तो देर के स्वाद की चलो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी। यहाँ मैंने एक कप मूंग की दाल ली है जिसे मैंने भिगोकर अंकुरित कर लिया था। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हम ध्यान रखेंगे इसको हम पेस्ट को दरदरा ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट दरदरा बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और हम यहाँ प्याज का प्रयोग कर रहे हैं जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। हम ध्यान रखेंगे इसे बारीक ही काटेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने एक गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकस किया है और कटोरी भर के हरा धनिया डाला है। आप चाहें तो इसमें और भी अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ घर के देसी मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है और यहाँ मैंने एक चम्मच नमक डाला है। नमक को अपने स्वाद के अनुसार आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक कटोरी या गेहूं के आटे का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी हेल्थी ब्रेकफास्ट है। यहाँ हमने सिर्फ हेल्थी चीज का प्रयोग किया है। अब हम इसे बिना पानी की सहायता से इसका एक सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हम ध्यान रखेंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे। हम पानी जब जरूरत पड़ेगी जब ही एक से दो चम्मच डालेंगे और इसका एक सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम अपने डो को रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, इसमें से पेड़ा तोड़ेंगे और चकला बेलन की सहायता से इसे गोल बेल लेंगे। हम इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। यहाँ मैंने ना कटर की सहायता से काट लिया है क्योंकि ये देखने में भी अच्छी लग रही है और मैंने सिर्फ में छोटा बना रही हूँ। जब हमारे बन के तैयार हो जाएंगे तो हम एक तवा लेंगे जिसे हम गरम कर लेंगे। जब हमारा तवा गरम हो जाएगा तो हम उस पर अपने पराठे डाल देंगे। यहाँ मैंने एक साथ तीन पराठे डाले हैं। आपके तवे पर जितने पराठे आए आप उतने भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें और भी बड़ी शेप में बेल सकते हैं। जब हमारे नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे और ऊपर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। यहाँ मैंने देसी घी का प्रयोग किया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने पलट कर दूसरी तरफ से भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे और अब हमने मीडियम गैस पर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब हमारे दोनों तरफ से अच्छे तरह से सिक जाएंगे तो हम इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। इन्हें आप दही, चटनी या चाय किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफी टेस्टी होते हैं और हमने इन्हें बनाने में सभी हेल्थी चीजों का उपयोग किया है। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की और भी वेजियां डाल सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर बनाएं। धन्यवाद।